अखिल भारतीय श्री नामदेव छिपा महासमिति की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के इस शपथ ग्रहण समारोह एवं परिचय सम्मेलन में आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नए पदाधिकारियों ने श्री राम जी चोपड़ा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में शपथ ली है। मैं उन सब पदाधिकारियों को साधुवाद देता हूं बधाई। भगवान विट्ठल जी की कृपा हम पर है और संत श्रीमणि राम नामदेव जी महाराज जिन्होंने अपनी वाणी भक्ति समर्पण और सेवा से उस समय जब भारत पर मुगल सम्राट का आक्रमण हो रहा था, भारत के आध्यात्मिक और संस्कृति को नष्ट किया जा रहा था, उस समय संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज ने देश के अलग अलग राज्यों के अंदर मुख्य रूप से महाराष्ट्र में और उनके जत्थे, लेकिन अलग अलग राज्यों के अंदर उनकी भाषा के अंदर उनकी वाणी के अंदर उनके जो भाव थे, उनकी जो भक्ति थी, उस भक्ति भाव और भगवान विट्ठल जी के प्रति उनका समर्पण, उस संस्कृति को उस समय उन्हें पहुंचाने का काम, और मैं आज भी वही संस्कार में समाज में देखता हूं। मेरा इस समाज से बहुत पुराना परिवार का संबंध है और जब समाज के लोग आए तो मैं सुबह अभी मेरा माली समाज में 11:30 बजे कार्यक्रम है तो मैंने कहा कि मैं सुबह जल्दी आ सकता हूं, तो मुझे लगा कि अब 10-20 जने चाय पीने आऊंगा, चाय पीकर मिलेंगे और आपके साथ चाय पीकर निकल जाऊंगा, ये मेरा प्रोग्राम था। पर आपने जिस तरीके से 7:30 बजे आप लोग इतनी बड़ी संख्या में सब पधारे, आपका समर्पण, आपका सेवा, आपका त्याग और संत नामदेव जी के विचारों, उनकी वाणी, उनका समर्पण, उनके संस्कार को लेकर समाज आगे बढ़ रहा है। इस समाज में सामाजिक एकता है, सामूहिकता है, वसुदेव कुटुंबकम की संस्कृति है और मुझे पता है कि इस छात्रावास के बाद यहां पर IIT बनी और इसका निर्माण करने में कोई नामदेव समाज के लोग कोई बहुत ज्यादा पैसे वाले नहीं है, लेकिन उस समय भी इनका संकल्प था कि मुझे हमें भवन बनाना है और कम समय के अंदर भवन भी बनाया समाज के सामूहिक प्रयासों से। और मैं देखता हूं कि समाज के सारे लोग आज भी जिस तरीके की शपथ ली है उसी तरीके का कर्तव्य दायित्व को समाज के लोग निभाते हैं, चाहे जिले के अंदर हो, चाहे स्टेट में हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो। मैं आपको शुभकामना देता हूं और मैं कोशिश करूंगा कि इतनी बार आपसे संसद में आप उठाए, मेरा परिवार है और मुझे लगता है कि इससे इतना निकट और आत्मिक संबंध है मेरा कि हर व्यक्ति से मेरा परिवार का संबंध है। तो मैं चाहते हुए भी कभी कोटा में रहने कई लोगों को कार्यक्रम को टालने का कोशिश नहीं करता हूं, कार्यक्रम में आता ही आता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जिस तरीके का भरोसा विश्वास आप रखते हैं, मेरी कोशिश होगी आपके विश्वास भरोसे को कायम रखूं और हम सब विट्ठल भगवान की कृपा हम पर बनी रहे, संत नामदेव जी की कृपा हम पर बनी रहे और इसी तरीके से
संत नामदेव जी के आध्यात्मिक विचार, वाणी, समर्पण, सेवा को हम समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करते रहे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।